अन्बी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज के तरंग मार्फत और साथे साथ रेडियो सानबी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से कार्यक्रम लाइव सुनते आ रहा बानी। कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस खास करके स्थानीय सरकार के काम कार्रवाई के बारे में हमने के बातचीत करें सन। परसा के 14 गो पालिका मधे आज सवाल जवाब के बहस में सखुआ परसोनी गांव पालिका के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी सामने के बहस और छलफल के अगाड़ी बढ़ाए सन। काहे कि अभी के जौन आर्थिक वर्ष बाटे 2078-79 आर्थिक वर्ष स्थानीय सरकार प्रमुख लोगन के खातिर अंतिम आर्थिक वर्ष, 4 गो आर्थिक वर्ष के बजट चला चुकल स्थानीय सरकार प्रमुख लोग, जनता से देहल मैंडेट, चुनावी घोषणा पत्र में जनता से कैल बाचा वचन कितना के पूरा भइल और आगामी अभी के जो आर्थिक वर्ष बाकी बाटे और जितना भी समय बाकी बाटे इस समय में खास प्राथमिकता में का रहल बाटे लगायत के विषय में बातचीत करे के खातिर हमनी के सखुआ परसोनी गांव पालिका के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी से हमनी के सवाल जवाब करें सन। और सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस में स्वागत करे के चाहे प्रशा के सखुआ परसोनी गांव पालिका के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी से। प्रदीप सर, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद। का हो रहा बाटे, कथी में व्यस्त बानी आजकल? आजकल अब गांव पालिका अध्यक्ष भइला पर इतने व्यस्त हो जाए के पड़ी। जी जी, पानी है अपना गांव पालिका के दो नंबर वार्ड में कुछ यहां अपना विकास निर्माण संबंधी छलफल हो रहा है जी। अब जैसे कि देखल जाओ स्थानीय सरकार अपने लगन के अइला, 4 वर्ष बीत गए, 4 गो आर्थिक वर्ष के बजट अपने लगन चला चुकनी जी। जनता से जौन चुनावी मैदान में घोषणा पत्र देले रहनी, वो घोषणा पत्र के अनुसार 4 वर्ष के अपन उपलब्धि बताई ना। अब 4 वर्ष की उपलब्धि बताओ तो 4 दिन लग जाएगी। मेजर मेजर जोन मेन मेन उपलब्धि बाटे जोन जनता के मेन मेन उपलब्धि का बा कि हमने के गांव पालिका में जितना भी हमने रोड बनले बैसे, नाला बनले बैसे, रोड हल्ला बैसे, पीस बनले बैसे जी, एगो एगो मापदंड के हिसाब से बनले बैसे। बहुत साथी लोग का बा कि वोट कट जाई कहे के 10 फीट के 12 फीट हो गेले वाला सड़क कैसे अपन अपन आदमी देखे अपन आदमी पर गेल तक कम में हमने के परसाइला में अभी अपने बता देबे चाहत हन कि सबसे निमन रोड कोन गांव पालिका के बा गली गली में नाला बनाले बाइसन, स्वास्थ्य में हमनी के काम कैले बाइसन, शिक्षा में काम कैले बाइसन, बहुत जगह ऐलानी जगह पर अतिक्रमण हटा के खाली करा के चार बार कैले बाइसन। संगे हमनी के कह बा कि अपने के सामाजिक विकास अपने के कथी बोला पशु में कृषि में सारा चीज के हमने के समेट के गाड़ी बढ़ रहा भाई। अध्यक्ष जी, जैसे कि भौतिक निर्माण के तरफ हमने कहनी है कि ज्यादा खास करके रोड नाला में अपने के जोड़ दे ले रहनी,
रोड नाला में जोड़ देवे के कारण का रहे, काहे कि और भौतिक पूर्वाधार विकास अंतर्गत अभी तक 4 वर्ष के दौरान में कितना रोड और कितना नाला अपने बना चुकनी? अब ओकरा कहते तो गांव पालिका सब लगभग पर कितना किलोमीटर बैल बने, हम तो कहा कि अब कार्यकाल हमर जब लास्ट लास्ट हुई तो हम सार्वजनिक करे जी जी कि हम अपना कार्यकाल में कितना रोड कितना किलोमीटर बैल बने, नाला कितना बैल बने, ढलान कितना किलोमीटर, लास्ट हम सार्वजनिक करे। लेकिन अपने से हम ये कहें कि हमनी के परसा जिला में जौन 14 गो स्थानीय तह बा उमे जो सखुआ प्रसौनी बा, सखुआ प्रसौनी कहा कि गाँव पालिका होते हुए बहुत बड़का बा, उमरा बजा था कि पालिका माध्यम में सबसे बड़का बा सखुआ प्रसौनी। यहाँ 34 गो गाँव बा सखुआ प्रसौनी गाँव पालिका में 34 गो गाँव, 6 गो वार्ड बा जी, और यहाँ के जनसंख्या भी बहुत 40,000 जनसंख्या बा, और खास करके कहा कि सबसे ज्यादा दलित रहल, दलित लोग रहल हमने गाँव पालिका बा। और यहाँ कहा कि शुरू से यहाँ के जब हम चुनाव जीतने सन यहाँ के इतना रोड यहाँ का बिगड़े रहे, यहाँ के स्कूल इतना खराब रहे, यहाँ के अपने का अस्पताल के कंडीशन भी संकर रहे, और हमने का जब गांव पालिका में जब चुनाव मांगे में घर घर कंडीशन घर दोलो में वो टाइम में कहा रहे कि बहुत लोग हमने अपांग देखने से गांव पालिका के भीतर जी, वो हमने गांव पालिका का अपांग हमने के गांव पालिका में बचा ना जाए, लो लेवल में हमने काम करते सन, संगे हमने पूर्ण खूब युक्त गांव पालिका घोषणा कर दिशा मुक्त घोषणा कर संगा संगा लगाई के बहुत अपना से कहा कि गांव पालिका के बहुत ज्यादा मुद्दा जौन की हमने के अदालत में टंका टंका बात लेकर चल जाएंगे, उसमें लाखों लाख खर्चा करे के, और संगा संगा हमने के न्यायिक समिति में मुद्दा भी बहुत बड़का बड़का मुद्दा हमने के बैठ के समझदारी में करके चलते भाई सब संगा समग्र में कहा जाए तो सखुआ प्रसौनी गाँव पालिका हरेक एगो गाँव पालिका के अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष चाहे वहाँ के वार्ड अध्यक्ष के जौन जिम्मेवारी होके चाहिए एकदम ईमानदारी पूर्वक 100% अपन जिम्मेवारी निर्वाह कर लेगा। अब जैसे कि स्थानीय तौर के चुनाव से पहले जोन एगो नारा चल रहे कि स्थानीय सरकार जनता के घर घर में अधिकार, जनता के गांव गांव में विकास, आम जनता के भी बड़ा अपेक्षा रहे, बड़ा जन विश्वास रहे कि देश में संघीयता आयल बा और संघीयता के साथ ये जौन 3 तरह के सरकार बाटे ओहू में जनता के सबसे नजीक घर के सरकार जो स्थानीय सरकार बा एकरा अइला से वास्तव में विकास के लहर छाई का उ जनता के देखे के मिलल बाटे। अपने एगो एज अ जनप्रतिनिधि के हैसियत से, एगो अपना पालिका के गार्जियन के हैसियत से अपने के कैसन किस्म के आभास हो रहा बाटे कि अपने के कार्यशैली से अपने के 4 वर्ष के विकास से जनता में संतुष्टि बा? देखिए जनता में तो संतुष्टि बाटे नहीं तो बात नहीं है, पहले तरह काम ना होता, हरेक पालिका में भी काम होता जी, और समस्या यह है वो कथी बा कि अभी भी जौन 3 किस्म के सरकार बा और घर घर में सिंह दरबार के जौन अवधारणा आई देश में संघीयता आई उस संघीयता के अभी अभ्यास के क्रम में हमने सबके उबानी सर 3 तरह के सरकार अभ्यास के क्रम में बा, और खास करके कहा कि राज्य जो हमने के मेन संघीय सरकार बा उस सरकार कुछ वैमानिक के हिसाब से काम कर रहा बा, कुछ गलत दृष्टिकोण से देख रहा बा स्थानीय सरकार के चाहे प्रदेश सरकार के जौना के चलते और उतना विकास के जो लहर करके चाहिए जो बजट आवे उतना बजट नहीं क्या हो सकता, तो वही भी कहा कि संघीय सरकार अपने लगे कुल बजट के लगभग लगभग 50% से बेसी अपने लगे बजट रखे, 50% में कहा कि 7 गो प्रदेश और 753 गो पालिका में बजट जो विनियोजन करता वो गलती बा। अभी तक कहा कि सबसे जनता के नजदीक रहे वाला स्थानीय सरकार बा, एमे कहा कि संघीय सरकार के एगो अभिभावक के रूप में काम करे के चाहिए, और संघीय सरकार के कहा कि जितना अपन बजट बा वो टोटल बजट कहा कि स्थानीय सरकार के जीवन लगा के चाहिए कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कहा कि अभाव के रूप में देखे वाला काम करे के चाहिए, और वो तरह देखे वाला काम करे तब जाके कहा कि विकास और ज्यादा से ज्यादा लोग अभी कहा कि घर घर में सिंह दरबार जो बा जी अभी तो कहा पूर्ण रूप से आयल नहीं है, पूर्ण रूप से आयल नहीं है जी, पूर्ण रूप से आयल नहीं है विगत में जो हमने के प्रधानमंत्री निमित्त निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली जी रहनी वहाँ के तो एक लौक रूप में शासन चलै नहीं, एगो हैकमवादी के रूप में वहाँ के शासन जो चलै नहीं, एगो तनाशाह के जो वहाँ के रूप ले रही वहाँ के चलते तो का भेल कि 3 वर्ष हमने के उतना खासे कुछ ना कर सकने छो, लेकिन अभी कहा कि अभी देश में सत्ता परिवर्तन भेल बा, कांग्रेस के सत्ता आयल बा, और हमें लागा था कि 2 साल के अंदर कोरोना महामारी भी बहुते हमने के दखल दलक बहुते हमने के दिक्कत कइल, लेकिन अध्यक्ष जी अपने लगन के जो सोच रहे 5 वर्ष के अपन अवधि में जनता के बहुत सारा विकास देवे के हर एक सेक्टर के हम बात कर रहल बानी, लेकिन ई जोन अपने लगन के एगो सोच रहे जोन एगो रोड मैप बनेले रहनी, उस सोच में वो रोड मैप
कार्यान्वयन करे के खातिर जो एगो महामारी आई कोरोना वायरस के महामारी ये कितना के बाधक बना? देखिए पूरा विश्व में ही मानव सभ्यता में जो संकट आयल बा अभी भी संकट अंत नहीं भाई जी। और हमें प्रत्येक देश के कहा बाकी अगुआ के कही चाहे लीडर के कही चाहे प्रदेश करे प्रत्येक देश के जे मतलब वहाँ के लीडर बा उ लीडर के कहा बाकी कर्तव्य कर देता सबसे पहले अपन जनता के जगावा के जनता के जगावल सबसे बड़का महान काम बा। कहा कि आज रोड बनावला से नाला बनला से बढ़िया है जनता के हमनी के जगावला शायद हमारा लगा था विश्व ही काम कैल जी जी। और हमनी के भी वे काम करने से हमनी के कहा कि कोरोना के महामारी के टाइम में हमनी के मेन प्राथमिकता कदी रहे कि हमने गांव पालिका में उसका किस्म के कोरोना महामारी जो बा उसे लोग के मृत्यु बेसी ना होको लोग बेसी मतलब हाथ अथी ना हाथ साइट ना होको वो हिसाब से हमने काम करे सन। दो साल तक हमने के अधिकांश हमने के कोरोना में काम करे सन ओकरा साथ साथ जो हमने के ग्रैंड डिजाइन रहे हमने के जो सोच रहे जो हमने घोषणा पत्र रहे ऊपर भी हमने के हर एक चीज में छूने करी हर एक जितना घोषणा पत्र में हमने के बुंदा रहे उसमें लगभग लगभग बहुत चीज में हमने के छूने करी काम कैला भाई सन चार साल में जी। और अभी भी एक साल बाकी बा हमने के एक साल भी कमजोर बेसी कम दिन ना होला तो अभी भी हमने के कहा बाकी निरंतर एक कंटिन्यू रख लगे जारी रख लगे आज भी हमारा गाँव पालिका में कहा अभी अभी चुनाव का टाइम बोले कि आज भी हम कहा कि रोड पर चावड़ा करके घर तुरुआ के आज भी हम नाला बना रहे बनी जी जी ऐसा ऐसा काम आज भी हमने के कर रहे बनी सन जबकि और पालिका के साथी लोग मतलब पहले से डरा गए हमके घर तो हम वोट कर देगा के संख्या हमने के लगा नहीं के हमने के लगा कहा बाकी एकदम जनता के काम ईमानदारी पूर्वक हमने के करके अगाड़ी बढ़ रहा। लेकिन अध्यक्ष जी जे विपक्षी दल के लोग बाटे वो लोग के लाग रहा बटे की कितना जल्दी के लोग के साथा चल जाए कितना जल्दी ये लोग मने पद से निष्क्रिय हो जाए लोग ऐसा किस्म के वो लोग के आभास हो रहा बाटे कौना कारण से ऐसा किस्म के वो लोग के मन में मने बात खिल रहा बाटे कि अपने लगन के कहत लोग के जल्दी है अब लोग के तो ज्यादा दिन नहीं खे रह गई ज्यादा से ज्यादा जाए लोग तो तीन चार महीना या पांच महीना रही लोग काहे ऐसा आभास हो रहा बाटे पर मने विपक्षी दल की जे सदियों से लूट के खैले बा जी देश के राज्य के बजट जो बजट विकास करे खतरा आयल बा वो हमने के अपने का विकास करे खतरा आयल बा कह के समझ लोग के छटपटी होबे कर ली। पहले जो आदमी कह रहे हैं कि हमने का चुनाव जीते से पहले भी नमूना गावी समय है 55-55 लाख बजट रहे जो गावी से रहे उसमें 35 लाख 40 लाख बजट रहे और अपने बता दी कौन गांव में नाला बनल बा कौन गांव में रोड बनल बा हमने के सबको प्रसन्नी में है एगो कह रहे नाला के रोड देखे हमने के नाम मिले एगो कह ढलाई देखे के नाम मिले हमने के अब वो शंका शंका लोग जो बा पहले जो हमारे बाबू मुखिया रहा तो हम कह दी के मुखिया बन जात कैसा हमारे बाबू नेता रहा तो हम कह दी के नेता बन जात उसका कुछ लोग बाद हमारे बाबू मुखिया रहा हम हमारे मुखिया बने के चाहे और संगा संगा लोग अधिकांश के चुनाव हार ये चुनाव में। लेकिन अध्यक्ष जी और कुछ तो विकास के काम बढ़ले बाटे लेकिन लगन जो चार चकवा चढ़ता नहीं सरकारी प्लेटो बा पूरा अपने के बात पूरा हमने की जवाब दो सकता सुन ली जी जी। उसका उसका लोग जगह पहले बाबू मुखिया रहन कैसन जी ओकर बाबू पहले के मतलब राजनीति में रहो शंका लोग के कहा बा कि हम ये फिर राजनीति में काहे नहीं हम ये काहे ना चुनाव में जीतने आज कहा बा कि हमने के पाला में हतना पजल रहे हतना खैने संख्या को शंका लोग बा वो शंका लोग छटपटी लागल बा अभी लेकिन अपने के रेडियो के मार्फत हम जानकारी करा देखो चाहे तरीके सौकवे पर थोड़ी का पल के मैं अगर के वो शंका सपना देखता तो शंका सपना और साकार होकर जायत नहीं ये कहा बा जो छुट्टी आयल बा कि हम जल्दी बन नहीं आगे गाँव पलका प्रमुख वो कहा बा कि सपना सपने रह जाए सपना कहा बा कि पूरा होकर वाला नहीं गाँव पलका में कहा तो हम एकदम ईमानदारी पूर्वक दिन भर रात भर 24 घंटे हम जनता के सेवा में बानी जनता के हरेक सुख दुख में शामिल होता हरेक जनता के काम करता नहीं ऐसे कहा बा कि गाँव पालिका में कि सपना देखा था सपना दूर रही सपना पूरा ना हो जी। एकदम अपने के निरंतर समय में भी विगत समय भी हमने के सामाजिक संजाल से भी देखे नहीं सन पूरा जनता में सक्रिय रहे नहीं लेकिन सबसे ज्यादा अपने के विकास निर्माण के काम सब विकास के काम सब तो दोसर जगह पर बाटे लेकिन प्रदीप जायसवाल जी के जो चार गो चक्का वाला गाड़ी बाटे लाल प्लेट वाला ऊपर जो अपने के चढ़े नहीं तो कस के ज्यादा उजर प्लेट जोन बाटे लाल रंग से लिखल बस सरकारी प्लेट है कस के ज्यादा बने विपक्षी लोग के गड़ता कि कहिए छीन आ जाए। हम विपक्षी लोग से कहब न जी कि दो चार दिन के अंदर हम दे देनी साफ पे छोड़ के अपन मन के इच्छा मिटा लेलो लेकिन आवे वाला दिन प्रदीप जायसवाल जी के ही रही ये क्या बा कि एगो साथी बड़ा हमनी के पालिका में है जी वो हमारा ड्राइवर से एक दिन कहतला ये ड्राइवर साहब गड़िया लॉ से चला हमारा पर चढ़े के बाद अच्छा तो हम अपना ड्राइवर से तो कहीं दो दिन चार चढ़ के अपन लालसा मिटा लेस
आए तो ओसंगा लोग के सके प्रसन्न का जनता सब चीन ले बा और ओसंगा लोग जिंदगी भर क्या बाकी कुर्ता पायजामा लगा के घूमते रह जाए नहीं लेकिन क्या बाकी माथे में चढ़ा वाला नहीं ओसंगा लोग के जी। अभी की अवस्था में देखल जाए खास करके जितना भी मैंने हमने के परसा जिला के 10 गो जो गाँव पालिका सब बड़ा सा वो 200 गाँव पालिका मधे एगो अपने एगो नमूना काम कहनी जैसे कि बारू नियंत्र जौन होला वो लियाओ में अपना पालिका में सफल भैनी कैसे देखिए क्या बा कि अपने के जौन काम पर अपने के तन मन धन से जब काम कर लगे हम लोग जी तो अपने काम में सक्सेस हो जाए अपने के काम कुछ और रही कर्म कुछ और सक्सेस नहीं हो सकत कोनो भी काम हो के अपने के ईमानदारी के साथ लगनशीलता के साथ वो काम करें तो अपने काम सक्सेस हो दुर्वशत अपने कहा कि आज हम जो उनका पालिका चला रहे बनी एकदम अपने से पहले भी करी है हमारा एक चाहना कहती बा कि अपना गांव पालिका के लोग के अपना गांव पालिका के अगाड़ी बढ़ा अन्य पालिका से जैसे पहले भी करी है कि सड़क सबसे बढ़िया बात हमारा गाँव पालिका के बा सबसे बेसि ढलाई के लिए अपना पालिका में ढलाई के लिए बढ़िया और पालिका में इतना ढलाई नहीं क्योंकि मापदंड के भीतर रह के 13 फीट ढलाई के बाद 13 फीट रही 10 के 12 ना हो उस समय कहा कि हमने के एम्बुलेंस फ्री में आई बा दमकल के अपने बारूनियर कहता रही दो नंबर प्रदेश में इतना पालिका में जमा 4 गो पालिका के दमकल बारूनियर जब हमने के पालिका मिल बा और हमने कहा कि वहाँ के मंत्री लोग से जाके भेंट करके वहाँ के हमने के मुख्यमंत्री से भेंट करके और भी कहा कि बहुत संगा बजट बा हमने के केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार से लिए और हमने के जे जौन काम में लागी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करी और सफलता मिलबे करी वही तरह हमने के बारूण लिया यंत्र हमारा पहले ही कहा कि हमने के 3 गो पालिका मिल के किनल हमने सोच पे नहीं कि हमने के पश्चिम वाला गाँव बा गाँव पालिका बा पटना से गोली और पूर्व वाला हमने के गाँव पालिका बा परसा गढ़ी हमने के कहती रहा कि तीनों पालिका के से सहयोग में वो गाँव पालिका हमने के गाँव पालिका में बारू नियंत्र कर लाओ करके हम सोच रहे जी जी लेकिन क्या बाकी वो सोच रहा है सो हमने काम करते से गाँव पालिका बजट लगा के लेकिन हमने के पाल से वो बारू नियंत्र फ्री में आई वो एम्बुलेंस भी अभी उसका एम्बुलेंस को पालिका में नहीं गया जो कि हमने के एम्बुलेंस फ्री में आई बा वो फ्री में वो हमने के गाँव पालिका में मिलल और भी बहुत चीज आ रहा बा अभी देखी क्या बा कि राजनीति में क्या होला कि नया नया आदमी आवला ओकरा सीखते उखते कुछ टाइम लगला और हमने के राजनीति में नया नया ला के भी अब काम करता है गाड़ी बढ़ल बहन सर अभी क्या बा कि इससे पहले हम गए थे काठमांडू में वहाँ के हमने के माननीय प्रधानमंत्री से भेंट भइल वहाँ भी गाँव पालिका के बहुत विषय पर चर्चा भइल बा वहाँ के भी वचनबद्ध भइल बानी कि 70% गाँव पालिका के बजट दे के उ प्रधानमंत्री के हमने के शेरबहादुर देउवा जी के बजट में हमने गाँव पालिका में आवेल बा ऐसे तो क्या बा कि और हमने के काम बढ़िया लोग लगे जी जी अब जैसे कि अपने कहता नहीं कि अपने लगन भी जौन बेरा स्थानीय तौर के नया संरचना आई अपने भी नया नया फेस नया नया युवा लोग जीत के आई एगो सीखे के सिलसिला भी 4 वर्ष में मैंने बहुत बात सब बहुत काम सब बहुत तरीका सब सीखे भी के में भी मिला जैसे कि काम के दौरान में कैसन कैसन चुनौती अपने के सामना करे के पड़ल देखिए चुनौती तो यहाँ का बहुत है भाई यहाँ तो कहा कि अपने जाए रोड बनावे जी और विकास करें तो यहाँ का सर्व साधारण जनता के खुशी लगी लेकिन पुरानिका धोती के कुर्ता लंबा लंबा कुर्ता वाला नेता लोग वो खराब लगे अपने विकास करें जनता खुश नेता दुखी नहीं के विकास करें जनता दुखी नेता खुशी जी का है ये तो कहा बा कि विकास करम तो नेता लोग का तो खराब लगी जैसे सारा वो वोट ले लिए तो खूब विकास करते रहो तो नेता लोग कदम रास्ता ना कदम से अवरोध करे हम लोग ओकरा बाद में विकास नहीं करते जनता लोग अपना करी ऐबे करी ना करी तो बात नहीं है हमने के पालिका में अवरोध कथी हमने देखे सन कि पालिका में कहा बा कि पूर्व सांसद लोग मंत्री जी लोग बनल हमने गाँव पालिका में आये सूचना मांगे कचरा जब कि अपने चुनाव में जीत के मंत्री तक बन के कुछ ना कर जो आदमी वो आदमी हमने गाँव पालिका में आके ज्ञापन पत्र बुझा दे अब ऐसे अपने का समझ में आ कितना हमने के मतलब अख्तियारों का काम करे में जी जी अभी कहा कि बहुत किस्म के धमकी बहुत किस्म के कर्मचारी के धमकी आवे के संख्या संख्या केनो काम करे तो देखा नहीं कितने कर लेते रह अख्तियार तो हमारा भी पड़ता जिला में सबसे ज्यादा अख्तियार पर वाला कोनो गाँव पालिका में सबसे पड़ता नहीं था अख्तियार में अनावश्यक रूप में जाकर मुद्दा करे के संख्या संख्या चुनौती बहुत ज्यादा बा और सारा से लड़त भरत अपने कहा बा कि सच के शोर पताल तक खिलेला कहकर हमने के पुराना लोग एगो कहावत कहते रहे जी जी अपने ईमानदारी साथ अपना रास्ता पर चले बहुत अपने के बाधा और कनाई लेकिन क्या रखिए अपने में सच्चाई बता सारा बता कर अपने मने हटत चले अपने अपना राह में गाड़ी बढ़त चल जाए ये एगो चीज हमारा सीखे के मिले 4 वर्ष के दौरान में और वही हिसाब से हमने के गाड़ी बढ़ रहा बहन सन बहुत लोग पछाड़ी टांग खींचे वाला आई
लेकिन खींचा ना सकल पछाड़िए छूट गई और पछाड़ी छूटल जा रहा बा जी। यानी कि चौतरफी अवरोध के बीच में भी कहीं ना कहीं जे काम करे के मजा कुछ और होला और वो चीज और चीज सीखा के मिला। जैसे कि क्या बाकी अपने बताओला कि जो पूर्व सांसद के पूर्व मंत्री तक 20-20 वर्ष तक चुनाव जीतल व्यक्ति जी जी एक पालिका में जाकर ज्ञापन पत्र बुझाव सर आ सूचना मांगता है तो कथी कथी कैल अब ऐसे क्या बाकी ऐसे कथी महसूस होता जी ऐसे ऐसे तो ये होता कि अपने पाला में कुछ ना कहने के जाकर अवरोध करे वाला काम तो फर्स्ट है भाई जी जी। और खास करके हमने के अब आर्थिक वर्ष 78-79 के बात कह लिया और गांव सभा संपन्न के लिए अपने के बहुत दिन हो गई। खास करके इस साल में अपने के लक्षित अपने के प्राथमिकता में रहल योजना सब चाहे प्राथमिकता के में अपने के का क्षेत्र रख ले बानी हमने के ऐसो के ये लास्ट हमने के बजट बा में हमने के अधूरो अधूरो जो काम वगैरह का पूरा करे के ओकरा बाद शिक्षा में विशेष जोड़ दो के जी जी उसमें क्या बा अपने गांव पलका भर के दलित लोग के घर में घर घर में गैस सिलेंडर चला दो के खाने पानी के बढ़िया ढंग से व्यवस्था करे के खाने पानी में क्या बा कि बहुत लोग के पानी के चलते बीमारी होता कैंसर तक ले होता आर्सेनिक पता लगाओ के सगा सगा काम कमी के विशेष प्राथमिकता भरा कमी के बजट ले बैठ और हमने के बजट के अब काम भी हमने के चालू लगा दल भाई सब तुरंत भादो बीतते बीतते में चालू रहे काम एकदम फुल स्पीड में लाग के बड़ा के हमने के विचार बा दो महीने के भीतर में 2 महीने से 3 महीने के भीतर में सारा काम का करवाओ जी। अब खास करके देखल जाओ शिक्षा के बात कही नहीं अपने युवा नेता भी बानी एगो युवा जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार प्रमुख बानी और अपना गाँव पालिका में वास्तव में अपने शिक्षा के सुधार के खातिर बहुत प्रयास कैनी और सफल भी भइल बानी। खास करके अभी भी देखल जाए अपने के पालिका के अंतर्गत अपने ही के पालिका में ना बल्कि नेपाल अधिराज में ही अभी भी विद्यालय में बहुत कम पैसा में काम करे वाला लोग बाटे जैसे कि बाल विकास सहज करता जे बाल शिक्षा देला उ लोग वैसे ही विद्यालय कर्मचारी लोग लेखापाल लोग अभी बहुत कम पैसा में काम कर रहल बाटे। लेकिन सरकार भी बजट में संबोधन कैलक लेकिन दोहरो चरित्र के साथ संबोधन कैलक 6,000 पहले मिलते रहे 2,000 बढ़ा के 8,000 कर दलक आ 7,000 अपने लगन पर थाप दलक स्थानीय सरकार एकरा प्रति अपने के का सोच बाटे जोन 7,000 स्थानीय सरकार में थपल बा केंद्र सरकार हमरा बुझाते है गोन पालिका 7,000 पैसा दी जी। कुछ पालिका सब बड़ा सन अपना जिला के जैसे परसे जिला के कुछ पालिका सब बाटे उ लोग अध्यक्ष लोग कहता नहीं कि हमनी के देहम सन लेकिन अपने के सोच का बाटे आज हमनी के बात होल के मिलगस के मेयर साहब से और पालिका के साथ से बात भइल जी जी 8,00,000 जन रुपया बा वे हमने के दम सन में 7,000 जन गांव पालिका स्थापित करके मतलब केंद्र सरकार हमने गांव पालिका बना पढ़ाई पैसा तो हमने के थपने जैसे कर सकत जी। ठीक प्रश्न बा दूसर का बात कथी बा कि अन्य कर्मचारी जैसे विद्यालय के अन्य कर्मचारी जैसे कार्यालय सहयोगी लोग चाहे अन्य साथी लोग बा जो फुल ड्यूटी करता जी ओकरा के कहा कि हमने के तलब बढ़ाए से ओकरा के सरकार के मापदंड बा पहले रहे 13,500 भी शायद 15,000 भइल बा जी जी वो हम कर्म सन बाल विकास में कहा कि बाल विकास में पहले ही 6,000 में वैकेंसी लेके 6,000 में हम काम करम करके नियुक्ति मिलल बा और उसमें कहा कि बाल विकास के टाइम अपने के 10 बजे से जमा 1-1.5 बजे तक ले बा जी। ऐसे हमने के सरकार अगर 15,000 के दर से हमने के खाता में पैसा पठा होता तो हमने के 15,000 दम सन न तो 8,000 से हमने के बेसी ना दम सन उसमें कहा कि 14 पालिका ये हमने के सलाह अमेरिका गाड़ी बढ़ जी जी। अब प्रदीप जी जैसे कि खास करके देखल जाए तो परसा जिला के 14 पालिका सब में कहीं ना कि बेरोजू के समस्या बहुत बाटे पालिका सब बेरोजू के दलदल में फंसते जा रहल बाटे आर्थिक वर्ष बहुत बढ़िया प्रश्न पूछले बानी। देखिए अभी का बा कि बहुत लोग एकरा के विभिन्न किस्म के रूप में लेता देखिए ई का बा बेरोजू का बा जी वो चीज हम जाने के चने कि बेरोजू का होवे ए कौना ढंग से माने ई महालेखा के जोन प्रतिवेदन आइल बाटे और एगो माने आम जनता में फैलावल जाता कि स्थानीय सरकार सब स्थानीय पालिका सब बेरोजू के दलदल में फंसते जाता रसनी का हो वास्तविकता में ये क्या बा ई जोन बेरोजू आइल बा जे सामने गांव पालिका में 14 करोड़ बा जी 13 करोड़ 31 लाख बेरोजू अपने के पालिका में देखावल जाता अब क्या बा कि अन्य पार्टी के लोग कहते कि जो मेयर साहब 14 करोड़ खा गई जी जी 13 करोड़ खा गई लेकिन क्या बाकी हम आम जनता से अपने रेडियो मार्फत ही बताना चाहते हैं कि जैसे कि शिक्षा में पैसा वाला जी खाना का पैसा वाला अपने के सामाजिक स्वास्थ्य भत्ता का पैसा वाला वो क्या बाकी वो बांट के बटा गई ओकर भरपाई जोन बा कल जला पेश कैला के बाद फटफट होला। अभी कोरोना का महामारी में जो भी मतलब अपने के
महालेखा परीक्षण के कर्मचारी लोग खटर रहे उ लोग का बोल के हतारतर में का कैलक बहुत कागज पत्र ना देखलक भाग काठमांडू और वहां जाकर सीधे बेरोजू लिख दिल लेकिन बा कि सारा काम भइल पैसा बारे कि जनप्रतिनिधि खैले देखे पैसा शंका रहना जनप्रतिनिधि खैले बा तो ठीक है कि असूल पर कार्रवाई करना शंका लिखल जला वो शंका कोनो नहीं के सब सैद्धांतिक विरोधी के मतलब काम भइल जैसे विद्यालय में 20 लाख रुपया पढ़े वैसे भवन बनाए खतरा ओकर फर्सौट नहीं किया आई वो 20 लाख का आई के विरोधी दिखाई लेकिन फर्सौट आई तो हट जाए शंका कहा कि सैद्धांतिक विरोधी बार्सन उम्र कहा पढ़ल लिखल लिखबा ओकरा छा बा गाँव घर में कहा बहुत नेता लोग कथी कही इतना घोटाला कदल उतना वो शंका बात नहीं है कहा कि सब सैद्धांतिक विरोधी बार्सन हमें काम कल बा कागज पत्र बढ़िया से लोग देखे ना सकल भाग गए पीछे में और जाकर वहाँ उसका लिख दिल बा और आवे वाला दिन में कहा हमने गाँव पालिका के जन जितना भी बा लोग हमने के बोला के सारा विरोधी हटावे के हमने के बातचीत हो रहा बा जी। अब जैसे कि प्रतिवेदन में एक और बात लिखल बढ़ गई जैसे नियम विपरीत सब भुगतानी भी दहल बड़ा सन अनावश्यक रूप में जिनसी सामान सब खरीद कैल बाटे जैसे कर्मचारी या जनप्रतिनिधि लोग पेश की ले बहु फरछौट नहीं के कैले एमे कितना सत्यता बाटे कोरोना महामारी में जे भी आई रहे लेखा अथी उ लोग का कैलक हतारतर में भागल बा काम करके जी और सीधे जाकर वहाँ प्रतिवेदन संगा पेश कैला बा अपने अपने बतावल ला कि अब जैसे कि बहुत कर्मचारी लोग पिस्की ले वाला काम कर खतरा तो पिस्की लेके काम करबे कर लोग संगा नहीं कहे कि पिस्की लेके पैसा खा लो ना और जैसे कि काम कागज पत्र निम्न से नहीं मिला सकल का हमने कहा पल गया संगा खास नहीं कहे हम पता कैला बने विषय में हमने कहा कि जे आई रहे अपनी के गाँव पलका में जगह पढ़ रहे वो अलन दो तीन दिन जमा देखल कागज पत्र देखे का बोलिए हमने चल गए काठमांडू काठमांडू गए के बाद कहा कि सीधे जाके बिरोजी लिख दिल उतना उतना लेकिन अभी भी केहू अगर सब देखे के चाहता तो अभी तो कहा कि सारा ऑनलाइन बा जी हिसाब किताब 2 मिनट में देखल जा सकता 2 मिनट में हमने के देवल जा सकता ऐसे शंका किस्म के एगो जन समुदाय में एगो अफवाह मतलब फैलावल गई बा जनप्रतिनिधि एक कहा कि खाइए लोग शंका बुझी लेकिन शंका ये नहीं है गाँव पालिका के बजट रहेला अपने के विकास तरफ 12 करोड़ बजट रहेला और समाग्र में कहा और सशस्त्र अनुदान मिलकर बेसी पैसा रहे जी। और गौन शीर्षक में तोरा शीर्षक में खर्चा करके पड़ला तो ऐसे वो शंका एगो गाँव एगो गाँव घर के लोग भ्रमित करे वाला न्यूज आई बा शंका वो बात नहीं कर सकते जी। अध्यक्ष जी खास करके एक और हम तनिका शिकायत अपने से रखे के चाहे जैसे शिकायत मिलल बाटे खास करके उपाध्यक्ष जी से अभी के तालमेल अपने के गबड़ा गेल बा आर्थिक वर्ष में काहे उपाध्यक्ष जी के छाट के चल रहा बानी वहाँ के योजना सब अपने समेट के नहीं चलत ऐसे किस्म के शिकायत आ रहा बाटे ना संगा तो बात नहीं कर हमने के तो उपाध्यक्ष सारा वाड़ा सब कुछ समय बन सब कुछ मिलिए काम करते तका तो बात कुछ नहीं जी। अपने के कार्यपालिका अपने के जोन गांव सभा सदस्य लोग सारा एकजुट के साथ में बानी लगन जी सारा के साथ में बात संगा बात देखिए कि उपाध्यक्ष के बजट देखिए चाहे संगा उसका बात नहीं कोनो जी। अध्यक्ष जी कार्यक्रम सवाल जवाब के अंत में बानी सन रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज़ सुन रहल आम श्रोता आम जनता आ अपने के पालिका वासी लोग में का कहे के चाहे जी। हम अपना पालिका वासी लोग से ये कहे के चाहे की अभी भी कोरोना के महामारी जन बा एकदम पूरा रूप से भागल नहीं है अभी भी सावधानी अपना ही लगन ओकरा बाद में कहा कि फिर चुनाव के टाइम आ रहा बा चुनाव के टाइम में अपने बढ़िया से देखी कि के नेता अपने के लायक बा ओकरा बाद अभी अभी नया नया नेता लोग आयल बा दू तो लड़के माटी गिराए तो फेसबुक में फोटो डालता उसंगा उसंगा नेता लोग से भी हम कहें कि अपने का जहाँ माटी गिरवा के बताओ अपने मत गिरवाई हमने कही हमने गिरवा दे सर जी। हमने एक पल का बकावा कि माटी पूरी गिरावल करके पैसा खाए के नहीं कि हमने का अधिकांश चाहना कथी बा कि ढलाई करे के मानते हैं दूसरा दिखते हुई दूसरा के बाद ढलाई हुई तो कहे कि 20 वर्ष तक चली लेकिन हरेक साल माटी गिरावल कह पालिका और पालिका लोग हुए भैल बा हम आज जोन कहते नहीं अपने के कि हमने के पालिका में बेसी ढलाई भैल बा वे बा मेन और पालिका के साथ लोग गिरावल माटी डल हमने के ढलाई कहने से तो ऐसे कहा कि अभी नए नए जो साथी लोग चुनाव आए बहुत लोग आई बहुत लंबा चौड़ा भाषण करी भाषण बना पड़े के सीजनली नेता लोग जैसे चुनाव आवेला तो कहीं ना कि उग जाला लोग फिर चुनाव बीती तो डूब जाए लोग ऐसा ऐसा नेता लोग अभी आगे बढ़े कोनो भी किस्म के कोनो भी किस्म के समस्या बा कोनो तकलीफ बा कोनो गुनासो बा कोनो सलाह सुझा बा हमर नंबर तो हमेशा हम सार्वजनिक कैले बानी हमरा के फोन करे के हम अपने लोग के बात सुने का तैयार बानी अपने गाँव घर में आवे के तैयार बानी 98 550 25 151 अपने के नंबर ही हरदम खुला बाटे जनता के खातिर जी हरदम खुला बा कोनो किस्म के समस्या बा तलाश हो जाबा अपने के रोड बिगड़ गई अपने के नाला टूट गई बा चाहे कुछ हो गई बा कुछ दिक्कत बा हमरा के फोन करी क्या बाकी नायका नायका जोन मौसमी नेता लोग बा लोग जाई काम करी कुछ ना फेसबुक पर फोटो डाल के हमने के बदनाम करी खाली
चलिए इतना व्यवस्था के बावजूद कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देनी बहुत बहुत धन्यवाद हो के चाहे आने वाला दिन में भी समय संदर्भिक विषय में अपने से बहस और छलफल हुई। फिलहाल अपने से छूटे के चाहे नमस्कार। जी आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस खास करके सखुआ परसौनी गांव पालिका के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी से हमने के सवाल जवाब कहनी है। कार्यक्रम सुन के साथ देनी एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र कृष्ण यादव जी के और कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।